स्पोर्ट्स लाइव देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ सचिन। रेसलर विनेश फोगाट ने विधानसभा का चुनाव जो है वो अब जीत लिया है। कांग्रेस ने जुलाना से विनेश को टिकट दे दिया था, उन्होंने भाजपा को योगेश कुमार को हरा दिया है। जहां विनेश पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए पहले हिस्सा लिया था, उन्होंने ये 50 किलोग्राम की कैटेगरी फाइनल में पहुंच गई थी। पूरे देश को ये उम्मीद थी कि गोल्ड मेडल भी लेकर आएंगी, लेकिन फाइनल से पहले विनेश का जो वजन था वो 100 ग्राम ज़्यादा निकला था, इसी वजह से वो डिस्क्वालीफाई कर दी गई। पेरिस ओलंपिक के बाद विनेश फोगाट के साथ बजरंग पुनिया भी कांग्रेस में शामिल हो गए। बजरंग ने साल 2020 टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीता था। विनेश की जीत के बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये लिखा था, उन्होंने एक्स पर लिखा था कि देश की बेटी विनेश फोगाट को जीत की बहुत बहुत बधाई। ये लड़ाई सिर्फ एक जुलाना सीट की नहीं थी, सिर्फ 3-4 और प्रत्याशियों के साथ नहीं थी, सिर्फ पार्टियों की लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई देश की सबसे मजबूत शक्तियों के खिलाफ थी और विनेश इसमें विजेता रही है। साल 2023 की शुरुआत में रेसलिंग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आंदोलन साक्षी मलिक के साथ मिलकर के विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने भी शुरू किया था। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यह आंदोलन हुआ था। महिला रेसलर्स ने ब्रजभूषण पर यौन शोषण का आरोप तक लगाया था और यह आंदोलन जंतर मंतर पर शुरू हुआ था। इस दौरान उन्हें अरेस्ट भी कर लिया गया था। जहां विधानसभा चुनाव में विनेश फोगाट को 6015 वोटों से जीत मिली है। ये शुरुआत 5 राउंड तक पीछे चल रही थी, लेकिन फिर वापसी करते हुए इन्होंने जीत हासिल कर ली। विनेश को कुल 65,080 वोट पड़े। इस सीट से खड़े भाजपा के उम्मीदवार योगेश कुमार को 59,065 वोट से संतोष करना पड़ा। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर के पूर्व बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से किसानों के नाम पर, पहलवानों के नाम पर भ्रमित करने की कोशिशें की गई हैं, उसे जनता ने नकार दिया है। वहीं पहलवान और कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट की जीत को लेकर ब्रजभूषण ने कहा है कि भले ही वो जीत गई है, मगर कांग्रेस का तो सत्यानाश हो चुका है। ये पूछे जाने पर कि किसकी वजह से कांग्रेस का ऐसा आप देखने को मिल रहा है, तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने बिना नाम लिए विनेश फोगाट की ओर इशारा तक कर दिया। उन्होंने कहा कि उनका क्या है, वो तो जीत ही जाएंगी, वो यहाँ बेईमानी से जीत जाती थी और अब वहाँ भी जीत गई है, लेकिन उस जीतने वाले के चक्कर में कांग्रेस पार्टी हार गई है। ये जीतने वाले पहलवान नायक नहीं बल्कि खलनायक साबित हुए हैं। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।